मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे प्रांत अध्यक्ष माननीय श्री अशोक चव्हाण जी, नव निर्वाचित महाराष्ट्र के प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संपत कुमार जी, श्रीमती सोनल पटेल जी, आशीष दुआ जी, संजय निरुपम जी, सम्माननीय मंच को मेरा सादर प्रणाम और समक्ष उपस्थित सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। टुडे आई फील प्रिविलेज्ड टू स्टैंड हियर एंड वेलकम द मोस्ट सीनियर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आई सिंसियरली थैंक आर AICC प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी टू टेक दिस वाइज डिसीजन एंड अपॉइंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी as the in charge of Maharashtra. Sir, I would like to bring to your notice that under the dynamic leadership of our MPCC president, we have already started working for the parliament and assembly elections. Here, I would like to tell that now, after Khargeji joining in as the in charge, who has made a record of winning 10 consecutive elections, there is no looking back and our party would be at number one position. Sir, since we are in the opposition, we have already made long demonstrations and drills in all the districts of Maharashtra. And now, with under your leadership, we will be becoming more aggressive. I come from Thane city, which has 3.5 constituencies. Here, I promise as the office bearer that I will try my level best and conserve all my efforts and win at least 2 constituencies in Thane city and make our party number 1 in the state and country. Jai Hind, Jai Maharashtra. This is first meeting. Hello, it is like an introductory meeting. We are the apologists from Akhil Bharat Congress Committee to strengthen the organization in Maharashtra under the leadership of our General Secretary Khargeji. So, in coming days, we will go in a deep, elaborate way. So, at this moment, first of all, I will come out. Thankful to all the office bearers and DCC presidents and honorable PCC president and MRCC president for your warm welcome to Maharashtra. मुझे बहुत खुशी हुई है कि महाराष्ट्र में मुझे काम करने का मौका मिला। आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात का रिश्ता क्या है। हम अलग हुए हैं फिर भी एक रिश्ता हमेशा जुड़ा हुआ है गुजरात के लोगों का महाराष्ट्र के साथ। खास करके अभी जो इलेक्शन हुए विधानसभा के हमारे यहाँ, उसमें आपके यहाँ से 3 लीडर्स आए थे, सातव जी, वर्षा गायकवाड़ जी और हर्षवर्धन जी, और हम जिस तरह से काम कर रहे हैं ऐसे उन्होंने रीजन वाइज काम किया था और अभी तो सातव जी हमारे इंचार्ज भी हैं। 44 से 48 तो आए हुए लोकसभा में बीजेपी को उसको आपको चने चपाए हैं वो देखने लायक होता है। और ये देखते हुए महाराष्ट्र का जो चैलेंज है उसमें राहुल जी ने उसका धन्यवाद है, राहुल जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और हम लोगों को ये काम सौंपा है कि महाराष्ट्र एक टू किसी स्टेट है जो कि अशोक चव्हाण जी और अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, जो एक लीडर है PCC प्रेसिडेंट, उनको भी एक्सपीरियंस है पूरी स्टेट का, अपना मुख्यमंत्री आए हैं, किस तरह से हमने स्टेट को करना है, जितना कलेक्टिव एक्सपीरियंस इस रूम में है या महाराष्ट्र स्टेट का है। मैंने बहुत राज्यों में काम किया है, अलग अलग स्टेट्स में, 15 स्टेट्स में मैं काम कर चुका हूँ और जितने महाराष्ट्र के लोगों के साथ काम करने का मेरा मौका मिला है। हमारे पार्टी के सदस्य की जो मीडिया का भी देना था तो ये सब हमारे सहयोगी रहे कि जिनका पार्टी के काम में बड़ा योगदान रहा है और इसीलिए मैं आज उनका जिक्र यहाँ पर करता हूँ। आज जब आप सबके सामने बात हो रही तो कुछ
चीजों का जिक्र यहाँ पर करना चाहिए, खास करके चुनाव की बात जब हमने की है तो स्वाभाविक है कि चुनाव हम किस तरह आगे जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल हर आदमी के, हर हमारे कार्यकर्ता के दिल में। अलायंस करेंगे या नहीं करेंगे, अलायंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जैसे पिपल चित्रों की बात होती की है कहीं पर, जहां जहां एनसीपी के पास कॉन्स्टिट्यूएंसी गई है वहां तो शिकायत है ही लोगों की, साहब हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, हमारे पास ताकत मिलती है, शिकायत बहुत स्वाभाविक है। आज जिन हालातों में हम लोग जा रहे हैं, खड़गे जी को, खड़गे साहब को मैं बात बताना चाहूंगा कि मैंने हर जिले के जिला अध्यक्ष और वहां के आमदार को एक एक घंटे यहाँ बुला के बात की, हम कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस लड़ना चाहिए, कौन से कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मजबूत हम है, कहाँ पर हमको सीट मिल सकती है, कहाँ हम जीत सकते हैं, कहाँ हम नहीं जीत सकते हैं, ये सब का जायजा मैंने महाराष्ट्र के सभी जिलों के लोगों को यहाँ बीसीसी में बुलाकर जिला कांग्रेस में बैठ के उनसे सबसे बात की, उनका एक पूरा एक जैसे कहेंगे एनालिसिस आज हमारे सामने। इसके बाद मैं विनती करूंगा माननीय श्री खड़गे साहब को, वो हमें मार्गदर्शन करें, माननीय श्री खड़गे साहब, और आप सबको विनती करता हूं कि एक बार तालियों से इनका स्वागत। कोई मंडल, कोई चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, वो पॉलिटिक्स में अस्तित्व रखना बड़ा मुश्किल। संगठन है तभी हम सबको मर्यादा है, अगर संगठन नहीं है तो कोई किसी को मर्यादा नहीं, और संगठन मजबूत है तो ही दूसरे पार्टी के लोग भी हमें मर्यादा के साथ देखते हैं, पर भी इनकी संगठन मजबूत है, ये कल आने वाले हैं, हमारे इच्छाओं को पूर्ति करने वाले हैं, और इनसे हमारी जो पीड़ाएं हैं वो दूर हो जाएगी, ऐसी सामान्य जनता भी आपसे अपेक्षा कर सकती है। अगर हम ही मजबूत नहीं है तो हमको कोई नहीं पूछे, तो इसलिए मेरा सबसे विनती है, मैं आदेश तो नहीं कर सकता क्योंकि हम लोकतंत्र में और हमारे पार्टी में भी लोकतंत्र है, इसीलिए हर एक को बात करने का मौका मिला, और एक दो लोग जो अपने शिक्षक को भी उन्होंने रखी और उसके बारे में भी चौहान साहब अपने बातों को भी उन्होंने बताया है। तो ये लोकतंत्र में हर पार्टी ऐसा डिस्कशन चर्चा होते रहती है, लेकिन आजकल बीजेपी में नहीं होती, वहां पर बीजेपी में एक ही आदमी बोलता है सारे सुनते हैं, और एक ही आदमी अपने भाषण को खत्म करता है टोटल टैक्स में तो सभी लोग उठ जाते हैं, और पार्लियामेंट में भी एक ही आदमी बात करता है शुरू में, फिर आखिरी में एक बार भाषण करता है, फिर पार्लियामेंट खत्म। तो हमारी एक ही पार्टी ऐसे सबका सुनती है और अपना करती है, करने में हो सकता है आपको शिकायत है क्या है, कुछ गलतियां अगर करते हैं तो आपको अधिकार है कहने का, और हमको भी हमारी जिम्मेदारी भी होती है उसको दुरुस्त करने का। तो ये पार्टी जहां चर्चा होती है ना, एक दूसरे से बातचीत होती है, वो उस पार्टी का जिंदापन है, जिस जो जिंदा रहता है वही तो वो बात करता है, और जो आहिस्ता आहिस्ता मरने वाला है वो कोई बात नहीं। तो बीजेपी की हालत तो है, अब एक आदमी के ऊपर तो पार्टी जीना है।